दहेज के मामले में एक महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। गोवर्धन के गांव जतिपुरा में एक ही परिवार के एक महिला सहित 5 लोगों को पुलिस ने दहेज प्रथा के मामले में जेल भेज दिया है। बताया गया है कि भीम सिंह निवासी जतिपुरा के पुत्र की शादी जोधपुर राजस्थान से कुछ समय पूर्व तलाकशुदा महिला से हुई थी, जिसकी 8 वर्षीय बच्ची भी है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराली जन उससे पैसे की डिमांड करते हैं। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि महिला और उसके पिता द्वारा दहेज प्रथा के झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। पिता द्वारा दहेज प्रथा न लिखवाने के एवज में पैसे की डिमांड की जाती है। पकड़े गए परिवार का कहना है कि दहेज प्रथा के केस के नाम पर महिला के पिता द्वारा पहले ही 6.5 लाख रुपए ले लिए गए हैं। अब महिला के पिता द्वारा 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। पैसे न देने के बदले महिला के पिता द्वारा षड्यंत्र के तहत दहेज मांगने का आरोप लगाकर फंसा दिया गया। वहीं पूरे मामले का जेल जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने दहेज जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई और क्यों नहीं मुकदमा लिखने से पहले गहनता से जांच की गई। क्या रहने वाला है? मैं जतिपुरा का रहने वाला। तो ये पुलिस आपको लेके जा रही है, क्या मामले में क्या हुआ? हम ऐसा हुआ था, मैं 10 बजे आया था काम पर। काम से आने के बाद भैया मुझसे बोला, मैं बोला नहीं भाई से, भाई मैं मना नहीं किया भाई को, भाई फिर आके में भाई ने भाई भाभी में 2 थप्पड़ मार दिए। तो इसी के बाद उसके पिताजी का फोन आया, उसने धमकी दे दी कि तुम्हें जेल में करा दूंगा, ये करा दूंगा। तो कहते हैं पैसे की डिमांड भी थी इसकी, 30 लाख का कर्ज है साल में। किस पे? इसके पिताजी पे। घर गिरवी रखा हुआ है बैंक में, वो नीलाम होने जा रहा है। तुम उसके महिला के पति हो? मैं उनका लड़की का पति हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुमसे पैसे की मांग करता था वो? पैसे उनको मैं ऑलरेडी 5 लाख रुपए एक बार दे चुका हूँ, 1.5 लाख रुपए एक बार दे चुका हूँ, और पैसे अभी भी मांग रहे हैं 25 लाख रुपए। तो मेरे पास 25 लाख है नहीं, तो उन्होंने दहेज प्रथा का केस लगा दिया, जबकि मैंने डिवोर्स वर्ष शादी की थी और इसकी एक बच्ची 8 साल की। मैंने कुछ भी नहीं मांगा उससे। जो महिला जो जैसे शादी की है वो पहले से डिवोर्स है? डिवोर्स थी सर। साजिश के तहत काम, पूरा साजिश के तहत काम। कहाँ की रहने वाली है वो? जोधपुर राजस्थान।